एक होता है नैरेट और दूसरा होता है सन। नैरेट भर्ब है जिसका हिंदी होता है कहना, और सन ये सफिक्स है जिसको कहते हैं प्रत्यय, जो शब्द के लास्ट में लगता है। तो कहना में जब सन जोड़ देते हैं तो बन जाता है कथन। कथन का मतलब हुआ कि कही गई बात। कही गई बात, देखो किसी के द्वारा अगर कोई बात कही जाती है तो बात नरेशन कहलाता है। अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इतने देर से मैं जो आपको समझा रहा हूँ, तो वो जो समझा रहे, जो बात कह रहे हैं, वो बात भी नरेशन होगा। क्लियर है? तो नरेशन का डिफिनेशन क्या बनेगा कि नरेशन एक बात है। नरेशन इज ए स्टेटमेंट। नरेशन एक बात है जो किसी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टेड ऑफ एनीवन। नरेशन इज ए स्टेटमेंट। नरेशन एक बात है, स्टेटमेंट मीन्स बात। स्टार्टेड ऑफ एनीवन, जो किसी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे में ही शेड, यू आर माई क्लासमेट। अब ये देखो, इस सेंटेंस है, अब इसमें जो मेन बात है ना, यही नरेशन है, यही मेन बात है। इसीलिए इसको खास बनाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा से घेर दिया जाता है। क्लियर है? नरेशन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है बाबू, ठीक है ना? तो नरेशन दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। देखो, डायरेक्ट नरेशन को कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टोटो। टूटू नहीं, टोटो। टोटो मतलब होता है हु, बहु। टोटो मीन्स हु बहु। और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब अप्रत्यक्ष कथन, यानी ऑन स्टाइल, अपनी भाषा में, अपने तरीके में। तो जब कोई बात हम टोटो एक्सप्लेन करते हैं, टोटो व्यक्त करते हैं, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट। और जब किसी बात को हम ऑन स्टाइल में कहते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यहाँ तक आप समझ ही चुके होंगे। अब इतना के बाद हम लोग टेबल के बारे में देखेंगे, क्योंकि नरेशन में टेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इतना समझ गए तो लिखिए। टेबल है, देखो आई और वी, ये जो पूरा का पूरा है ना, आई और वी जो पूरा का पूरा है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यू, ये जो पूरा का पूरा है ना, उसको कहते हैं सेकंड पर्सन। और ही से दे तक जो पूरा का पूरा है ना, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब नरेशन में क्या है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसको जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप नरेशन समझ नहीं पाएंगे। नरेशन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज होता है, ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये चेंज नहीं होता है। जहाँ पे भी रह गया वो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे नरेशन में जाने से पहले देखते एक चीज, एक शॉर्ट वे में देखते हैं, इसका समझने का एक तरीका देखते हैं। एस ओ एन और एक दो तीन। देखो, एस का मतलब वह सब्जेक्ट, ओ
का मतलब ऑब्जेक्ट और इन का मतलब नो चेंज, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। नरेशन में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है और उसको जब भी आप चेंज करेंगे तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करके लिखेंगे। नरेशन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। नरेशन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में और थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा। नरेशन में इसलिए कहा कि दो चीज़ पर ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर है? इस टेबल को आप ध्यान डालेंगे, इसमें ध्यान रखना होगा कौन 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 शब्द फर्स्ट पर्सन में आता है, कौन सेकेंड पर्सन में आता है, कौन थर्ड पर्सन में आता है। क्लियर है ना? आपको अभी इसको लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के जरिए ये पूरी बात आपको अभी समझाएंगे बहुत बार, तो आप ध्यान से इसको देखते जाएंगे। I'm your husband. Ram said to Sita, I'm your husband. देखो, जब inverted comma लगा रहेगा, comma inverted comma लगा रहेगा, तो समझ जाना कि ये sentence direct narration का है, और जब comma inverted comma हटा रहेगा, तो समझ जाना कि वो indirect का है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रहेगा और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट रहेगा। तो अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसे बिना इन्वर्टेड कॉमा वाला में होना चाहिए, और बिना इन्वर्टेड कॉमा में है इसका मतलब है इसको कि इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। क्लियर है ना?